हेलो गाइस, तो अभी रात के 3 बजे हुए हैं। दिखा देता हूँ, रात के 3 बजे हुए हैं और कल एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कोई आ रहा है, उसको लेने जाना है और बस उसी वजह से नींद नहीं आ रही। और जब भी सोने की ट्राई करो तो ये करना है, वो करना है, इतने बजे पहुँचना है, उतने बजे पहुँचना है, तो बस वही चल रहा है दिमाग में। तो सोचा एक छोटा सा क्लिप निकाल लें अपनी इस बेचैनी का। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। 3 बजे हो गए रात के और नींद बिल्कुल नहीं आ रही, और सुबह मुझे फिर 7 बजे उठ के निकलना है बहुत दूर। तो ये वीडियो बहुत आगे एक्साइटिंग होने वाली है। एक्साइटिंग इन द सेंस, दिस इज पिछले 2 साल से किसी का वेट कर रहा था, तो वो अभी आ रहा है। तो ठीक है, आप सुबह मिलते हैं, ट्राई करता हूँ सोने की। सुबह मिलते हैं तो विल सी, दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ लेके जाने। तो सुबह हो चुकी है, आ गए हैं अपनी थार में। अभी मेरे को जाना है बहुत दूर, और आप लोगों को बोला था 7 बजे उठूंगा, बट मैं उठा 9 बजे और अब लेट हो चुका हूँ। सिर्फ 1 घंटा है मेरे पास बंदे के पास पहुँचने के लिए। बंदा 11 बजे लैंड कर जाएगा, उसको लेने जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बंदा 2 साल से आ रहा है और किसी को घर पे किसी को नहीं पता कि वो आ रहा है। सिर्फ मुझे पता है कि वो आ रहा है और ये एक सरप्राइज़ है सारी फैमिली के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारे रिएक्शन दिखाऊंगा कि वो बंदा 2 साल बाद आ रहा है, घर वालों के क्या रिएक्शंस थे, क्या नहीं थे। तो ये वीडियो कार रिव्यू के ऊपर नहीं है। आई टोल्ड यू कि मेरी इस चैनल पे कार रिव्यू के साथ साथ मैं पर्सनल व्लॉग्स भी डालूंगा, तो ये एक पर्सनल व्लॉग है। इसके बाद आपको एक रिव्यू आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो अभी इस चैनल को ताकि आगे आप पर्सनल व्लॉग्स या ये रिव्यूज़ जो हैं वो आप इजीली देख पाओ। और घंटी भी बजा देना, ठीक है? मैंने पहले ही मांग कर दी है सुबह सुबह, तो आपका फ़र्ज है इसको कंप्लीट करना। सी या, अभी चलते हैं, फटाफट लेट हो रहे हैं, रास्ते में बात करते हुए जाएंगे और रास्ता देखते हुए जाएंगे। तो निकल पड़े हैं हम लोग, मतलब अकेला मैं ही, और दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा से ज़रूर करनी चाहिए, दिन अच्छा निकलता है। तो मैं तो वही सुन रहा था, चलो सोचा कि आप लोगों को भी सुना दें। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। दिल्ली वाले तो पहचान जाएंगे इस जगह को, ये कौन सी जगह है, बहुत फेमस जगह है। एक टाइम पे यहाँ पे तो भाई इतना ट्रैफिक होता था कि 2 2 घंटे बंदे लाइन में लगे रहते थे। अभी तो बहुत स्मूथ हो गया यहाँ पे। तो बताओ कि ये कौन सी जगह है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मन करे तो, वरना कोई नहीं, वीडियो कंटिन्यूली देखो। बात ये है कि मेरा भतीजा है, भैया का लड़का, वो आज से 2 साल पहले कनाडा गया था। तो 2 साल, 2 से 2.5 साल हो गए, 2 2.5 साल से वो बंदा वहाँ पे हमें वीडियो कॉल फ़ोन कॉल करता है रेगुलरली। और अभी जस्ट रिसेंटली उसने प्लान किया, जब मैंने धार लिया उसके बाद ही उसका प्लान बना है। तो जैसे ही प्लान बना है तो उसने घर पे किसी को नहीं बताया कि वो आ जा रहा है। ये प्लान हमारा 1 महीने पहले से चल रहा है, कब आना है, कैसे सब कुछ प्लान करना है, घर वालों को क्या बोल के मैंने निकलना है, उसने अपने घर वालों को क्या बोलना है, ये सब ऑल मतलब सब कुछ प्लान्ड है ये। तो आज 11:30 बजे, 11:25 पे उसकी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। अभी टाइम हो गया है 10:25 और गूगल के अकॉर्डिंग मैं 34 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। तो आई थिंक आई एम ऑन टाइम, बट मसला मसला तो कोई भी नहीं है। जो एक्साइटिंग चीज़ है वो ये है कि वो बंदा आ रहा है, घर पे किसी को नहीं पता, और मेरे घर वाले बहुत, हमारे घर वाले बहुत इमोशनल हैं। तो देखो क्या रिएक्शन होता है। तो आई डेफिनेटली एड दोज वीडियोज इन दिस पर्टिकुलर व्लॉग। तो ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट भवन हैं, जैसे निकल के गया छत्तीसगढ़ भवन, आपको दिखेगा शायद, ये गया छत्तीसगढ़ भवन। और इसके दूसरी तरफ, बिल्कुल उस तरफ, उल्टी तरफ, वहाँ पे है एम्बेसीज, जो हर कंट्री की एम्बेसी है और बहुत प्यारी प्यारी बनी हुई है। एंट्री उसी को है जिसको वीज़ा चाहिए,
यहाँ कुछ काम है आपको एम्बेसी में, तो ही बाकी ये जो तीन मूर्ति कुछ चौराहा है वो वाला एरिया आ जाता है ये, तो यहाँ पे हाँ आप कोई वीडियो शीडियो शूट नहीं कर सकते, गाड़ी में बैठ के जो मर्जी करो ठीक है, बाहर निकल के आप कुछ नहीं कर सकते। चौदह किलोमीटर रह गए एयरपोर्ट और पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में। तो गाड़ी की एक चीज़ है जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था 2-3 दिन पहले, बहुत इरिटेट कर रही है ये। मतलब ठीक है कईयों के लिए नहीं होती होगी, बट मेरे लिए है इरिटेशन वाली बात। तो हो क्या रहा है कि जब भी अपन गाना चलाता है 20-21 की स्पीड पे, तो ये जो शीशा है ना ये पता नहीं क्यों अपने आप कांपने लग जाता है। मतलब इतना भी कुछ हैवी बेस नहीं है, मैंने वीडियो में बताया होगा आपको कि इतना हैवी बेस नहीं है, स्टिल ये ऐसे वाइब्रेट करता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, जैसे पकड़ के कोई हिला रहा हो। चेक कर, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पता नहीं क्या इशू है ये, ठीक है। और मुझे जितना लगता है वो ये है कि ये जो छत है ना थार की वो फाइबर की है, और जो वाइब्रेशन ट्रैवल हो रहा है स्पीकर्स, यहाँ पे स्पीकर्स हैं इसके, ये रहे ये है स्पीकर्स, ये तो जो स्पीकर से वाइब्रेशन ट्रैवल हो रहा है वो फाइबर की वजह से ज़्यादा हो रहा है। अगर कुछ स्टील होता या छत दूसरी होती लोहे की जो टिपिकल गाड़ियों में होती है, तो उस केस में शायद ट्रैवल कम होता हो वाइब्रेशन का, बट इसके ये जो फाइबर के कारण शायद वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है। बट स्टिल एक लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो अपना रियर व्यू मिरर है ये है तो शीशे में लगा हुआ, फाइबर के साथ इसका लेना देना नहीं है। ये देखो सी, ये पीछे शीशे में लगा हुआ है ये, ठीक है, और फाइबर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ये शीशे में लगा हुआ है, तो क्यों इतनी वाइब्रेशन है, क्वेश्चन मार्क फॉर द डे। हाँ एक दो चीज़ें और हैं जो थोड़ी बहुत मुझे इरिटेट कर रही हैं, वो ये हैं, इरिटेट नहीं कर रही, एक मैं शॉट डालूंगा अभी आज नहीं तो कल डाल दूंगा एक शॉट, वो है कि इसके टायर का कुछ इशू है अलॉय व्हील्स का, तो मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। बस चलते हैं अभी आगे, 15-20 मिनट का रास्ता है, चलते हैं, 10:45 हो चुके हैं, 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, भूख लगी हुई है बहुत मस्त वाली, लेट्स सी कुछ मिला रास्ते में तो पिक कर लेंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो फीचर है इस गाड़ी का क्या आजकल तो सब में आता है, तो मतलब काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी रिलैक्सिंग फीचर है, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे डाल दो, दैट्स इट, अब गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। मैंने ये देखो पैर हटा लिया अपना, ठीक है, बस मेरा काम है अब स्टेयरिंग को पकड़ के रखना और ब्रेक्स वगैरह पे ध्यान देना, अभी हमें लेन चेंज करना है, तो बस स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है, स्टेयरिंग को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे ये लेन चेंज हो जाएगी, मुझे हटाना है तो आई जस्ट नीड टू पुश। ये देखो ये अभी लगा हुआ, वो ग्रीन मार्क आपको दिख रहा होगा बीच में, वो ये वाला ये जो ग्रीन मार्क है इसका मतलब है कि मेरा क्रूज कंट्रोल ऑन है। अब जैसे आगे ये कर्व आ रहा है, तो इस केस में अगर मैं अपना फुट क्लच दबा दूंगा या ब्रेक दबा दूंगा तो ये हट जाएगा। सी अभी मैंने ये क्लच दबाया, नाउ ये हट गया, देखो क्रूज कंट्रोल इज ऑफ। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है, कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है इससे, पैर दर्द नहीं होता हाईवे वगैरह पे। और कई लोगों को मैंने देखा है इशू कि उनका जो क्रूज कंट्रोल है वो लगता नहीं है, या मेरे को भी एक दो बार इशू हुआ था इसका कंट्रोल क्रूज कंट्रोल का, तो कहते हैं कि सिर्फ 50 की स्पीड, मिनिमम 50 की स्पीड होनी चाहिए तो ही लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो उस केस में आपको गाड़ी समझनी पड़ती, गाड़ी का RPM मैटर करता है यहाँ पे, RPM अगर 1100 से ऊपर है तो चाहे आप स्पीड इसकी 30 भी क्यों ना हो ये तब भी क्रूज लग जाएगा। लेट मी शो यू दैट, ये देखो
एक सेकंड गाड़ी साइड पे कर लूँ थोड़ी सी, यहाँ पे वैसे रुक नहीं सकते, तो चलते चलते बताऊँगा। अभी गाड़ी का आरपीएम है 1000 कम से, 1000 से नीचे, तो अभी हो गया गाड़ी का 1000। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, आरपीएम बढ़ गया है इसका, ठीक है। स्पीड है मेरी, आप चेक कर सकते हो, स्पीड है 20, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसका क्रूज कंट्रोल, ये देखो लग गया ना। तो आरपीएम मैटर करता है, स्पीड मैटर नहीं करती, ठीक है। मेरे को अगर बढ़ाना है, मैं रेस दूंगा, गाड़ी आरपीएम खींच जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, बट क्रूज नहीं हटा इसमें, क्रूज सिर्फ हटेगा क्लच और ब्रेक दबाने पे, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पीड मैटर करती है क्रूज कंट्रोल के लिए, नहीं, आपका आरपीएम मैटर करता है। आरपीएम 1000-1200 से ऊपर होगा तो कन्वीनियंट नहीं है इतनी स्लो स्पीड पे लगाना, आपको बार बार लेन चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए कभी रेस देनी है कभी नहीं देनी है, यही सब चलता है। ऑफ़ करने के लिए ऑफ़ का बटन है, यू कैन टर्न इट ऑफ। अभी अपने को किधर जाना है, चलो अभी ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रूज कंट्रोल, छोटा सा इन डेप्थ बताया मैंने, छोटा सा मतलब ज़्यादा नहीं है, छोटा प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई है। तो कंफ्यूज मत होना कि स्पीड मैटर करती है, आरपीएम इज ओनली मैटर्स। तो हुआ क्या, मैंने गलत मोड़ ले लिया और उसकी वजह से अब मुझे फिर से घूम के जाना पड़ रहा है, जहाँ पे मेरे किलोमीटर सिर्फ 3 रह गए थे, अभी किलोमीटर रह गए हैं 6.5, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया सिर्फ एक गलत मोड़ से। तो पहले 5 मिनट में पहुँचना था, अब 13 मिनट में पहुँचूंगा। ये पता नहीं किस तरह की व्हीकल दिखा मुझे, है तो कुछ कमर्शियल व्हीकल। टायर देखो भाई इसका, टायर फाइनली टर्मिनल 3 आ गया। पार्किंग ढूंढनी है बस, पार्क करके फिर जाएंगे आगे लेने, कुछ खाने को मिल जाए बस, मेरी तो बस यही भगवान से प्रार्थना है, खाने को मिल जाए तो कुछ खा लेंगे साथ साथ। पार्किंग आ गई है, बाहर निकल के मिलते हैं। बैटरी फ़ोन की 11% है, इसको छोड़ के शायद जाना पड़ेगा, बट फिर वीडियो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। अगर आप ये क्लिप देख रहे हो तो थैंक यू, आप वीडियो के एंड तक आए हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस चक्कर में मुझे इसको यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल सुबह या शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2।